नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल लेकर एक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट्सएप में UPI ट्रांसफ़र हम कैसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप के नए अपडेट में अभी हम UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र व्हाट्सएप से ही कर सकते हैं। तो कैसे करना है दोस्तों, देख लेते हैं। तो व्हाट्सएप ओपन कीजिए, उसके बाद सेटिंग में जाना है हमें। सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पे पेमेंट्स का ऑप्शन है, तो पेमेंट्स के ऑप्शन में हमें सिलेक्ट करना है और टैप करना है पेमेंट्स ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पे सेटिंग में जाके, तो सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद पेमेंट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। देखिए UPI, तो वेरीफाई योर नंबर, मोबाइल नंबर डालना है आपको, डालने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही है। सिर्फ वेरीफाई वाई SMS, तो SMS जाएगा बैंक को और आपका 1.5 या 1 रुपये कट के आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसे अलाउ कर देना है, तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं वापस कर लेता हूँ, तो इसको अलाउ कर देना है। तो थोड़ा सा अलाउ नहीं हो रहा, इसके वजह से मैं सेटिंग में जाके अभी इसको सब कुछ अलाउ कर देता हूँ परमिशन। तो अभी व्हाट्सएप फिर से ओपन कर लेता हूँ, फिर से मुझे बैक करके व्हाट्सएप को ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे वेरीफाई और आपका जो भी सिम बैंक अकाउंट से लिंक है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं ये पहले वोडाफोन का, जो मेरा वोडाफोन का सिम है उससे मेरा बैंक अकाउंट लिंक है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसमें मैं अभी मेरा बैंक ऑफ इंडिया या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा पेटीएम का बैंक उस अकाउंट से लिंक है। और देखिए 1 रुपये कट गया है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक मेरे UPI ट्रांजेक्शन के लिए इस व्हाट्सएप के नंबर को इस व्हाट्सएप में इस फीचर में जुड़ गया है। देखिए सिलेक्ट बैंक अकाउंट ऐड हो गया है, और भी आप ऐड कर सकते हैं बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मेरा ऐड हो गया है, देखिए सेटअप कंप्लीट एंड डन, देखिए डन कर, अभी आपको डन करना है। तो मेरा सेटअप कंप्लीट हुआ है, तो ऐड न्यू अकाउंट भी कर सकते हैं आप। फ़िलहाल मैंने पेटीएम का बैंक अकाउंट लिंक किया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें किसी को भी पैसा भेजना है बैंक टू बैंक, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सामने वाले के पास भी जो ऑप्शन है पेमेंट का वो ऑन होना चाहिए, यानी कि उसने भी सेटअप पेमेंट का ऑप्शन ऑन करना चाहिए, तभी आप उसको पैसा भेज सकते हैं। तो यहाँ पे सेंड योर फर्स्ट पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप सेंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और देखिए यहाँ पे जो पिन का आइकॉन है नीचे की तरफ जो UPI है, वहाँ पर आप टैप करेंगे तो देखिए पेमेंट्स का बीच में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको टैप करना है। तो टैप करते ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि जो सामने वाला बंदा है उसने ये जो ऑप्शन है पेमेंट का ऑन नहीं किया है, उसका बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया है, इसकी वजह से मैं उसको भेज नहीं सकता। तो अगर सामने वाले ने भी ये जो सेटअप है सिलेक्ट किया होगा, तो आपका बैंक अकाउंट लिंक किया होगा उसने सामने वाले ने, तो आप उससे आसानी से पैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।